सुबह सुबह ना कितना भी सोच लो सोते वक्त कि सब कुछ इंतजाम हो गया है, सब तैयारियां हो गई हैं सुबह, पर सुबह ना एक वो एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है। पता नहीं कौन कौन से काम एकदम से याद आ जाते हैं, अरे ये रह गया, वो रह गया, ये करना है, सो बस उसी में लगा हुआ हूँ। बाय बाय। और इतने सालों से कर रहा हूँ तब भी हमेशा ऐसा ही होता है। बाकी हेलमेट मैं ये रॉयल एनफील्ड वाला पहन के नहीं जा रहा हूँ, वो मैं अपना के वर्ग वाला जो मेरा है जो आपको पता है वही वाला मैं पहन के जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ वो आपको मैं रास्ते में बताऊंगा, क्यों, बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, नीचे सामान लगा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए जो रास्ते भर हम बातें करेंगे। तो दोस्तों एंड जुड़े रहो, बस करते हैं मस्ती। बाय बाय। कौन है? कौन है? तो दोस्तों ये नए नी गार्ड्स हैं मेरे, कौन से हैं? सोलास के हैं। तो फाइनली आफ्टर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 6 7 8 महीने के बाद फाइनली हम हेलमेट में ऐसे बात कर रहे हैं ट्रिप पे जाने के लिए। और जैसे कि आपको पता ही है पापा मेरे हमेशा होते ही हैं जब मैं जा रहा होता हूँ, एंड ही इज़ देयर, मम्मी भी हैं और प्रशांत आ गया, जैसे मैंने आपको भी इसका वीडियो दिखाया। सो फाइनली आप लोगों ने भी बहुत बोला भी था और मेरे को और हम दोनों को भी राइड करनी थी। लास्ट हम तीर्थन वैली गए थे, अगर आपने वो राइड नहीं देखी, हम दोनों ही थे, वो भी 3 दिन का ट्रिप था। हम बिरबिलिंग भी गए थे और हमने पैराग्लाइडिंग करी, बहुत मस्ती करी थी उस ट्रिप पे। अगर आप देखना चाहो तो वो मेरे चैनल पे देख सकते हो ज़्यादा, ठीक है। तो अभी सब सामान रेडी हो गया है, ऑल सेट। थोड़ा सा चेन स्प्रे कर देता हूँ मैं जाने से पहले। तो ये मेरा पुटो लाइन का टेक चेन है, अच्छा है ये। जब सेंटर स्टैंड नहीं होता तो आपको ये करना पड़ता है आगे पीछे। चलो काफ़ी अभी के लिए, चल टोको कंचोशी ना लाते चांचोशी कौन नाम है इसको भी मैं 0 सेट कर लेता हूँ। ट्रिप मीटर को ट्रिप ए, तो 6 बजे हैं पूरे दोस्तों। ट्रिप कहाँ है? बस अब निकल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी देर में बस 5 मिनट में मिलता हूँ आपको हाईवे पे, कहीं जाइएगा मत। बहुत सारी मस्ती करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। यू रेडी? ओह यस, आई एम सो रेडी, आई वाज क्रेविंग फॉर दिस राइड भाई। 2024 की पहली राइड, 2024 मेरी भी पहली राइड, पहली राइड दूसरी भी साथ होगी। हाँ सही है भाई का हेलमेट है। कल अभी से बातें करेंगे, अभी रास्ते में, अभी चलते हैं, लेट हो रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। दोस्तों मौसम एकदम बढ़िया है, भगवान जी थैंक यू वेरी मच। 2 दिन पहले तक आग बरस, हवा हवा जब मैं रहा हूँ तो उसके हमारे इशारों में बात हो गई है कि टायर में हवा कम है, पेट्रोल डलाऊंगा तब हवा भी चेक करा लियो, सब कुछ हो गया हमारा इशारों में। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ब्लूटूथ क्यों नहीं यूज़ करते हो, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, हाँ वो भी है पर हाँ मतलब पता नहीं क्यों आदत पड़ी हुई है, 10 साल हो गए आदत पड़ गई है। सो दोस्तों हम चल दिए हैं उत्तराखंड की तरफ, इससे भी बहुत बदलाव हुए थे, पहले हम कहीं और जा रहे थे। और कल शाम को मतलब ट्रिप से 1 दिन पहले शाम को सब कुछ चेंज हुआ, क्यों हुआ वो भी मैं बात करूंगा आपसे, और बहुत कुछ है बात करने को, बस याद रहे मेरे को क्या क्या बातें करनी हैं। आप अपने चाय के गिलास लगा लीजिए, आंटी जी को नमस्ते, अंकल जी को नमस्ते, भाई को हेलो, और आप हो जाओ रेडी। तो हम दोस्तों
रैपिड रेल के नीचे नीचे जा रहे हैं, जो दिल्ली से मेरठ की RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, और जल्द चालू होने वाली है आधे रास्ते तक दिल्ली से। एंड बाकी हम पुराने मेरठ एक्सप्रेस से इसलिए नहीं जा रहे हैं, दो रीज़न। पहला जो इम्पोर्टेंट है कि भैया वहाँ पे चालान कटते हैं बाइक के, और आजकल जरा ज़्यादा एक्टिव हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि 20,000 रुपये का 10-20,000 रुपये का चालान है उस पर मोटरसाइकिल से जो मेरठ का नया एक्सप्रेस वे बना है। और पर ऑन द अदर साइड कि हम सुबह सुबह निकल रहे हैं तो हमें इस वाले हाईवे पे भी कोई बहुत ज़्यादा जाम मिलना नहीं चाहिए, सो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए, मतलब आएगा तो, पर ऐसा भी ना है कि ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। सो अभी हम अपने पुराने रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हमारा बचपन बीता है, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो मुजफ्फरनगर है। अगर आपको नहीं पता है तो लो आपको एक मैंने नई चीज़ बता दी। सो अक्सर हम जब छोटे थे तो इस रास्ते से जाते थे, और तब तो यहाँ हालत इतनी बुरी होती थी इसकी कि बस पूछो मत भैया, और बसों में जाते थे तो बस ख़तरनाक होता था मतलब। पर अभी चलो ऐसा नहीं है, अभी तो काफ़ी हद तक सब कुछ बढ़िया है। पर हाँ, अभी रास्ते में कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे आएंगे जो मैं आपको बचपन के हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप को शायद अच्छा लगे कनेक्ट करके, शायद आपका भी कुछ हो बचपन के कनेक्शन इसी रूट से। और हाँ, मैं आउटराइडर से जा रहा हूँ, मिलेनियम फाल्कन से नहीं जा रहा हूँ, जबकि मिलेनियम फाल्कन को थोड़े से वोट ज़्यादा मिले थे जो मैंने पोल करा था यूट्यूब पे कि कौन सी बाइक से मैं जाऊं, ये वाली वाली आप लोगों से पूछा था, तो मिलेनियम फाल्कन उसमें जीत गई थी थोड़े से वोट से, आई थिंक 5-10% वोट से ज़्यादा थी वो। पर तब भी मैं स्टिल आउटराइडर से जा रहा हूं, एंड उसके लिए मैं सॉरी, पर क्यों जा रहा हूं, मेरे पास एक रीज़न था वैलिड, सो वो मैं भी आपको मैं बताऊँगा। आप सोच रहे होगे सर कितनी सारी बातें आप बताओगे। हाँ यार, थोड़ा सा आपको मैं हमेशा बताता हूँ ना, जब मैं ट्रिप पे निकलता हूँ थोड़ा सा फाइनल एक एडजस्टमेंट हो जाए, एक रूटीन सा बन जाए। अभी निकले हो ना घर से तो थोड़ा सा अनस्टेबल सा लगता है कि मतलब अभी चले हैं, अभी वो फील नहीं आई है। थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर चला लेंगे ना तब आएगी फील, तब करेंगे बातें। बस आए होपफुली ये सारी बातें मेरे को याद हो। तो ये EPE है जहाँ से हम अक्सर, आपने मेरे को जाते हुए देखा कि मैं ऐसे घूम जाता था ऊपर, क्योंकि हम हिमाचल जाते थे, लद्दाख स्पीति या किधर भी हिमाचल गए तो इधर से EPE से चले आते थे। चलान EPE पे भी है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, बाइक का चलान उससे भी है, पर उससे मैंने देखा है जो सुना है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं वो, पर मेरठ एक्सप्रेस वे पे थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये हमारा गाज़ियाबाद का सनराइज़ है जो रोज़ होता है, पर मैं कभी इसकी चर्चा नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, आपने मेरी स्टोरीज देखी होगी सुबह सुबह। एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिप पे जा रहे हैं तो सनराइज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सनसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिप्स पे ख़ासतौर से, नहीं आपको नहीं लगता? वैसे भी सनराइज़ सनसेट होते रहते हैं, पर ट्रिप के सनराइज़ सनसेट अलग ही होते हैं, चाहे शहरों के हों, चाहे पहाड़ों के हों, चाहे समुंदर के हों, चाहे कहीं के भी नहीं ऐसी हाईवे पे हों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये ट्रिप्स का, सनराइज़ सनसेट। और वैसे एक्चुअली नॉट साइंटिफिकली, पर वैसे भी सनराइज़ सनसेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो अगर आप किसी अच्छे फोटोग्राफर्स या वीडियो को देखते हैं जो प्रोफेशनली करते हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सनराइज़ का, 2-3 घंटे, और सनसेट का, क्योंकि अब फटाफट बता देता हूँ इसको भी, मैं बाद में नहीं बताऊँगा, ये नहीं बोलूँगा आपको कि जब सन ऊपर होता है ना तो शैडो बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं सब्जेक्ट पे जिसके आप फ़ोटो खींच रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग। और जब वो एंगल पे होता है, मतलब जैसे अभी सनराइज़ हो रहा है अभी सामने है, तो अभी मेरे मुँह पे अगर सन मतलब लाइट पड़ रही है सनराइज़, तो वो हैवी शेडोज़ नहीं बनाएगा, मतलब डार्क शेडोज़ नहीं बनते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से इल्यूमिनेट हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से दिखता है। इस वजह से सुबह के गोल्डन आवर्स बोलते हैं और शाम को बोलते हैं फोटोग्राफी के लिए। वो बात अलग है कि अगर आपको डार्क शेडोज ही चाहिए और आपकी फोटोग्राफी का स्टाइल वही है, तो फिर तो आप दोपहर में खींचोगे, फिर आपको शायद सुबह अच्छा ना लगे। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रिप्स पे फोटोग्राफर्स के लिए। चलो हो गई थोड़ी बातें, अभी चलते हैं आगे। अभी तक मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है और हवा चेक नहीं हुई है, तो वो भी हम कराना है अभी। और अभी हम जा रहे हैं, पहले हम आगे कहाँ तक जा रहे हैं वो बताऊँगा धीरे धीरे। तो अभी हम ऋषिकेश तक हमारा प्लान है, ऋषिकेश से आगे भी जाना है बहुत,
तो उसके रूट हैं दो, एक हम नहर के थ्रू जा सकते हैं मुरादनगर से, जो नहर वाला रास्ता है अगर आपको नहीं पता है तो मुरादनगर से एक नहर वाला रास्ता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे जाकर। वो नहर गंग नहर जो है उसके साथ साथ चलता है और वो पतला रास्ता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डेंजरस है इन टर्म्स, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो राइडिंग ड्राइविंग को लेके तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा पतला रास्ता है और वहाँ काफ़ी तेज़ चलते हैं और उसमें कोई बीच में डिवाइडर भी नहीं है और सिंगल लेन है। पर क्या है कि भीड़ के टाइम पे यहाँ पे जब जाम वाम लग रहा होता है काफ़ी, तो आपका गूगल अक्सर आपको नहर का रास्ता दिखा देगा, तो शॉर्ट भी पड़ता है और अक्सर ट्रैफिक नहीं होता उससे। पर हम सीधे ही जाएंगे क्योंकि अभी सीधे भी कोई हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको और बहुत कुछ मेरे को आपको बताना है। आई लव यू। चाय ठंडी हो रही है आपकी, इसे ख़त्म कर लो, थोड़ी देर बाद दूसरी बना लेना। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं मुरादनगर की गंग नहर के पास और यहाँ राइट में काफ़ी भीड़ होती है, यहाँ पे छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं, पता नहीं बस मतलब कोई लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता, पर एनीवे तो ये गंग नहर है दोस्तों, ये आपके हरिद्वार से निकली है और ये गंग नहर के साथ साथ वाला रास्ता है, आप यहाँ से लेफ्ट लेके निकल सकते हो, सिंगल लेन है। क्या दिक्कत है क्या फ़ायदे हैं बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, हम सीधे आ रहे हैं। ये हमारा लौंडा प्रशांत ब्रो, ब्रो ब्रो प्रशांत ब्रो, तो दोस्तों हम आ गए हैं मोदी नगर और जाम वाम कुछ मिला नहीं हमें जैसे हम सोच रहे थे। एंड मोदी नगर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बचपन की जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो है मोदी नगर की जैन शिकंजी। तो ये वो ओरिजिनल जगह है जहाँ पे जैन की शिकंजी मिलती थी, जो ओरिजिनल दुकान है जैन शिकंजी, और यहाँ पे अक्सर होता था जब हम रोया पीट मचाते थे घर वालों से, शिकंजी पीनी है शिकंजी पीनी है शिकंजी पीनी है, पकौड़े खाने हैं, यू नो। तो ये एक जैन शिकंजी का एक स्पॉट होता था जो इम्पोर्टेंट होता था, मतलब। और दूसरा एक और होता था, वो आगे आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों हम वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से आता है वो आके पुराने हाईवे पे मिलता है। जय जवान जय किसान। सीधे 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 सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं पुराने एक्सप्रेसवे पे, जैसे मतलब हाईवे जो है मेरठ से आपका हरिद्वार मुजफ्फरनगर होते हुए जाता है। तो अभी हम यहाँ पे पेट्रोल भराएंगे, प्रशांत को वॉशरूम भी जाना है और हवा चेक करानी है। ठीक है, तो हम करीबन कितने किलोमीटर चले, करीबन 37 किलोमीटर हम चल चुके हैं। ठीक है, ये भागा ये भागा ये भागा, देखो ये भागा। अब लोगों को भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है पेट्रोल भरवाते समय। डालो डालो डालो, 900 रुपये का आया दोस्तों, बाकी तो मेरी बाइक एवरेज बता ही देगी। पर हाँ, ये बताने के लिए कि पूरे ट्रिप पे कितना पेट्रोल लगा उसके लिए ज़रूरी है, पर वही पता चल जाएगा। नहीं, किलोमीटर पता है, एवरेज पता है, तो हम पेट्रोल निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, इतने तो पढ़े लिखे हैं। कैश को संभाल के रखने का, पहाड़ों में जा रहे हो तो
अगर आपके पास कैश है, जहाँ पे आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, यूपीआई यूज़ कर सकते हो, वहाँ यूपीआई यूज़ करो, कैश को बचा के रखो। भाई जियो से बहुत परेशान हूँ मैं, जियो से पता नहीं आप लोगों का कैसा चलता है, मैं तो जब से जियो लिया है मैं तो बहुत परेशान हूँ जियो से। शहर में तो बहुत ही दिक्कत है, अब ट्रिप पे जा रहा हूँ तब देखता हूँ उधर इधर कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। साला जियो से परेशान हूँ यार मैं, जियो से एक नंबर का वाहियात नेटवर्क। मैंने तो इसलिए चेंज नहीं किया, वोडा से मैं वोडा पे ही था, इन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी सर्विसेज दी, वाहियात। उसके बाद से तो बकवास, मतलब अभी मैंने वोडाफोन छोड़ के ये लिया, सोच रहा हूँ वापस अब एयरटेल ले लूँ। सुन रहे हो जियो वाले, सुन रहे हो तुम? तो सब ठीक है, सब ठीक है, अब बस यहाँ से सीधे ही चलना है, ये तो अब वो है, फिर यहाँ से हम जब वहाँ पहुँचेंगे ना मैकडी, मैकडी पे फिर डिसाइड करते हैं कि यहाँ रुकना है या अभी आगे चल रहा है। ठीक है, वो यहाँ से होगा करीबन अनदर 80-90 किलोमीटर। हाँ तो फिर ठीक है, और रोड भी अब ठीक ठीक, मतलब थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक है, फिर ठीक है सब, ट्रैफिक में से निकलते हैं। ठीक है, हवा दिखाइयो, अगर फिर से इतनी कम हुई तो फिर कहीं पंचर कराते हैं। तो दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया, निकल पड़े आगे की तरफ, उसके टायर में बहुत ही कम हवा थी तो 90% चांसेस है कि प्रशांत की पीछे वाला जो टायर है उसमें पंचर है, उसने काफ़ी टाइम से बाइक चलाई नहीं थी, पता नहीं अब जो भी है। तो अभी हम चेक पे रखेंगे, नोटिस में रखेंगे उसको, नोटिस पीरियड में चल रहा है उसका टायर, अगर हवा ज़्यादा कम हुई फिर से तो कहीं पंचर भी लगाना पड़ेगा, मतलब हमें भी लगाना पड़ेगा, लगवा देंगे, क्योंकि ट्यूबलेस का यही फ़ायदा है कि एकदम से फ्लैट नहीं होता है, धीरे धीरे चलता रहता है। एंड तो ये अपडेट है अभी, बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो गया, जैसे मैंने सुबह बताया था कि आपको दो दिन पहले तो आग गल रहे थे भगवान जी कि ये लो, और कल से थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया। बाबा जी थैंक यू वेरी मच, कनेक्शन, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों ने मेरी कोई भी सीरीज़ देखी होगी तो अपना कुछ कनेक्शन रहता है, हमेशा रहता है ट्रिप पे, तो भगवान जी को लगा कि बड़े टाइम बाद जा रहे हैं ट्रिप पे और थोड़ा सा मौसम सही कर देना चाहिए। पर भगवान जी मेरे को पता, आप टेस्ट भी लेते हो, अच्छे से लेते हो टेस्ट, तो मैं उसके लिए भी पता नहीं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, तो देखते हैं। पर एनीवे अभी के लिए थैंक यू, बाकी लव यू ऑल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है अभी। तो दोस्तों वी स्टॉर्म की रेस लग चुकी है स्प्लेंडर से, भाई बहुत देर से मतलब ठीक चला रहा है, ऐसा उल्टा सीधा नहीं चला रहे हैं, पर ही इज ट्राइंग टू बी अहेड, नॉट बैड, टिल द टाइम उल्टा सीधा चलाना स्टार्ट नहीं करते, इट्स गुड, बट वंस अगर कोई आपसे आगे रखने के लिए तेज चलाए, उल्टा सीधा चलाए, ये करे वो करे, तो भाई मेरे हिसाब से रुक जाओ, जाने दो उसको, क्योंकि जितना आप करोगे उतना ज़्यादा वो रिस्क लेगा, जस्ट टू बी अहेड एंड अवॉइड करें। पर जब तक ठीक है, मतलब तब तक थोड़ा बहुत चलता है, और ख़ास तौर से अगर भाई बिना हेलमेट के सामने वाला, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। मैंने एक दो बार देखा कि लोग वीडियोस डालते हैं कि कोई उसके साथ रेस कर रहा है और उसने कुछ पहन नहीं रखा है, कुछ नहीं, दो दो तीन तीन है उसके साथ, कह रहे हैं कि देखो कितनी तेज चला रहा है, और यू नो फिर वो आगे गिर जाता है, कहते हैं ये ऐसे छपरी और ये सब, पर भाई आप भी तो तेज़ चला रहे हो, आप तेज चला रहे हो उससे वो और तेज़ चला रहा है, जस्ट टू एड, वो ठीक है उसको रेस लगानी है, वो तो गलत है अपनी जगह, पर आप भी एक तरीके से और बढ़ावा दे रहे हो, या तो इतनी तेज़ आपकी बाइक हो कि बस आप एकदम से निकल जाओ और निकल जाओ फिर, पर आप भी उसके बराबर आ रहा में चलते रहोगे, उसे पुश करते रहोगे, तो फिर वो और करेगा। सो प्लीज़ आगे से अगर आपको लगे कि कोई ऐसा आपके साथ कर रहा है जो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू एनीथिंग, तो उसे जीतने दो, कभी कभी जिताने में भी मज़ा है, हारने वाले को क्या वो बाजीगर कहते हैं क्या, जीत के हारने वाले को, जो भी है डायलॉग। तो दोस्तों ज्ञान देना भी स्टार्ट हो गया हूँ मैं, आदत से मजबूर हूँ मैं, तो बस अभी हम मेरठ बाईपास हमने क्रॉस कर लिया, अब हम आ गए हैं मेरठ से मुजफ्फरनगर वाले रास्ते पे, अभी हम हैं गोविंदपुरम कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, मेरठ के आउटस्कर्ट्स में।
कहीं तो लिखा होगा बोर्ड पे क्या है। पल्लवपुरम है इधर फेस वन। यहाँ पे एक स्कूल होता था दयावती मोदी अकेडमी। मैं मेरठ में भी रहा हूँ भाई लोगों, मेरठ में भी मैंने स्कूल पढ़ा है। 8वीं 9वीं 10वीं मैंने मेरठ से ही करी थी। तो मैं, अगर आप मेरठ से हो तो उस टाइम पे इलेक्ट्रा विद्यापीठ नाम से एक स्कूल होता था मवाना रोड पे, तो मैं वहाँ पढ़ता था। और उस टाइम पे दयावती मोदी अकेडमी एक DMA ये वाला स्कूल होता था, ये काफ़ी फेमस था। और भी कुछ स्कूल थे तो मैं वहाँ पढ़ता था। तो 8वीं 9वीं 10वीं मैंने मेरठ से ही करी है। तो मेरठ में बहुत घूमा हूँ। तो वो नए नए जब आप यंग होते हो, जवान होते हो, तो वो मैं मेरठ में ही था उस टाइम पे। क्या बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरठ को लेके मेरे। आबू लेन पे वीडियो गेम पार्लर हुआ करता था, क्या नाम से मैं भूल गया। तो वहाँ पे आते थे हमेशा, जब भी घर वाले कुछ शॉपिंग करने आते थे तो वीडियो गेम पार्लर पे ज़रूर जाता था मेरठ में, आबू लेन। अगर आप यहाँ के हो तो आप समझ गए होंगे मैं किसी याद कर रहा हूँ। और राधे के छोले कुलचे, और एक छोले भटूरे वाले था अंदर, और खाने के एक कैवेंटर था, कैवेंटर का बर्गर। वो पेट्रोल पंप पे वहाँ पे कैवेंटर नाम से वहाँ पे एक बर्गर होता था बहुत बड़ा। और बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो ये देखो, ये मैंने आपको एक आज नई चीज़ बताई अपने बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। दोस्तों लव यू ऑल, आई होप कि जर्नी से आप कनेक्ट हो चुके हो मेरी। दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ, और खतौली आएगा, उससे पहले ही आता है सपोते। सपोती, और ये सपोती मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये पुल बन गया है, पहले नीचे फाटक था। अरे भाई साहब, ये बचपन की मैं आपको बातें फिर से बता रहा हूँ, बचपन का इस रास्ते का। जब ये पुल नहीं बना था ना भाई, यहाँ पे इतना लंबा लंबा जाम लगता था ना, इतना लंबा जाम लगता था पूछो मत। क्योंकि सकवती का क्या है, रेलवे स्टेशन बिल्कुल क्रॉसिंग के बराबर में ही था, तो ट्रेन आती थी कभी रुक जाती थी, और वो थोड़ी सी पीछे रुक जाती थी तो फाटक खुलता ही नहीं था। वो 2-4 मिनट 5 मिनट खड़ी है, फाटक ही नहीं खुलता था, वो भयंकर जाम लगता था। तो जब हम यहाँ पे आते थे तो हम यही सोचते थे, अभी तक याद है मेरे को, कि अगर ये खुला मिल गया तो मतलब ऐसे ही सांस लेते थे ना, रिलीफ। ओ भैया, 1 घंटा बच गया। तो एक सकौती का ये पुल, मतलब ये क्रॉसिंग नहीं भूलूंगा मैं कभी। बाकी एक और चीज़ है जो अब आगे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो हेलो हेलो, चेक 1 2 3। तो दोस्तों जो वो एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अब एक्चुअल में वो पहले वाला रास्ता जो है वो बंद हो गया। वो खतौली के अंदर से जाते थे हम, यहाँ से अब पुल बन गया, ये पूरा बाईपास बन गया खतौली का, काफ़ी टाइम हो गया। तो वहाँ पे होता था चीतल, और चीतल आप आते होगे तो यहाँ पे आप चीतल ग्रैंड मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में चीतल ग्रैंड। तो ये चीतल एक्चुअल में इससे पहले कहीं और था अंदर जाके, फिर वो रोड बंद हो गई तो उन्होंने बाहर बनाया। और उससे भी पहले ये एक्चुअल में जो ये चीतल था, ये एक सरकारी था, मतलब ये सरकारी रेस्टोरेंट टाइप था, जहाँ पे हिरन विरन भी होते थे, थोड़े बहुत जानवर छोटे मोटे वो सब चीज़ें होती थी। और ये बिल्कुल गंग नहर के बराबर में होता था खतौली के अंदर। फिर वो सरकारी सही से चला नहीं, जो भी है वो टेक ओवर कर लिया इन्होंने, जो भी है, फिर इन्होंने उसको अलग से लॉन्च किया। सो वो बचपन का जुड़ा हुआ नाम है वो चीतल, इस खतौली से अगर आप आओगे। पहले इस साइड भी खोला था इन्होंने, फिर ये इधर खोला, तो एक्चुअल में ये अंदर था, अंदर जा रही हो खतौली वाली रोड। अब ये पूरा बाईपास बन गया खतौली का, तो यहाँ भी बुरा हाल होता था अंदर, जाम वाम का जो भी था उस टाइम पे, सब कुछ जाम ही होता था। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीज़ें बता दी घर से मुजफ्फरनगर के बीच में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी खासतौर से, जो याद रही मेरे को। एंड या आप करेंगे आगे की बातें। ये देखो, ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं क्योंकि इनको मरना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे पता है तुम मार के मरोगे, वो दिक्कत है मेरे को जो रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं।
तुम किसी ना किसी को मारोगे, इनोसेंट आदमी को जो नॉर्मली चल रहा है सही से, और तुम बस तुम्हें लगता है कि भैया हम जी लिए, बहुत जी लिए, भगवान जी बस ऊपर बुला लो। भगवान जी ने बोला कि कर दो कुछ उठपटांग हरकतें, आ जाओ ऊपर, पर उनको ये नहीं पता गधों को कि उठपटांग हरकतें मतलब ये नहीं कि आप औरों को मारो। पर स्टिल यार लोगों को अपनी लाइफ रिस्पेक्ट करनी जरूरी है यार, ऐसे फालतू में अपनी लाइफ को रिस्क मत डालो और अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करो। पर ये सब थोड़ी हरकतें हाईवे पे खासतौर से जहाँ पे तेज ट्रैफिक चलता है, बाजार बाजार में लोकल आप रॉन्ग साइड आ रहे हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा थोड़ा बहुत टकरा गए, टच हो गए, स्क्रैच आ गया या ज़्यादा कुछ नहीं, धीरे धीरे चलते। अब हाईवे पे यार तुम इतनी तेज़ चलते, यहाँ पे अगर भिड़ गए ना तो सीधे ऊपर ही जाओगे, ऊपर ही होगा फिर हिसाब किताब। तो थोड़ा हाई स्पीड हाईवे पे और ऐसी जगह पे मत करो रॉन्ग साइड ट्रीज दोस्तों, हाई स्पीड हाईवेज पे रॉन्ग साइड मत चला करो, थोड़ा सा पेट्रोल खर्च हो जाएगा बस। जो भी है सो ये सबसे मेन अड्डा है इस रास्ते पे, जो भी जाता है यहाँ मैकडी है बहुत पुराना है और यहाँ हर कोई मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ भसड़ सब कुछ यहीं होती है, पर सबसे ज़्यादा ऑप्शंस भी यहीं होते हैं। क्या करना है, भूख तो लग रही है किसी तो क्या टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना। हाँ चलते हैं, जहाँ भी कोई बढ़िया ढाबा दिखे ना खुले में। हाँ ठीक है ओके, चाय भी पीनी है यार मेरे को, चाय भी पीनी है। हाँ। चलो लेट्स गो। तो भैया पर यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर आप यहाँ के ड्राइव थ्रू यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, काफ़ी लोग हैं और यहाँ पे ड्राइव थ्रू मैकडी का भाई सोच समझ के करना। अभी कुछ टाइम पहले एक महीने पहले शहर में आया था यहाँ पे ड्राइव थ्रू पे और यहाँ पे आपका भीड़ थी और ड्राइव थ्रू में घुस गया हूँ और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, लाइन लगी हुई है, कोई आ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर भैया मैं उतरा तो मैंने पूछा उनसे कि भैया क्या हो रहा है, मतलब क्या मतलब, कह रहा सर वो कर रहे हैं स्टाफ कम है। मैंने कहा भाई स्टाफ कम है ठीक है मान लिया, मतलब लॉजिक सुनो, स्टाफ कम है मतलब भाई तुम्हारा अगर स्टाफ कम है तो आप हमारी क्यों लेनी देनी कर रहे हो, हमें बोल दो या ड्राइव थ्रू बंद कर दो या बता दो कि भैया लोग ड्राइव थ्रू में इसलिए आते हैं टाइम बचाने के लिए, और आप कह रहे हो कि टाइम ही बहुत ज़्यादा लगेगा और स्टाफ कम है। अरे स्टाफ कम है तो भैया ड्राइव थ्रू बंद कर दो ना, मतलब थोड़ी देर जब अंदर का भी ट्रैफिक है, मतलब अंदर भी आप सर्व कर रहे हो, ड्राइव थ्रू में भी कर रहे हो, तो यही तो मैनेजमेंट और यही तो मैनेज करना होता है। मतलब ये थोड़ा कि कुछ चीज़ें भाई ये कम है तो कोई नहीं चलाते रहो, मतलब कुछ तो मैनेज करो कि भाई स्टाफ कम है तो मैं ये चीज़ बंद कर देता हूँ या ये चीज़ स्टार्ट कर देता हूँ या इसको ऐसे कर देता हूँ, उसी को मैनेजमेंट, उसी के लिए तो मैनेजर्स होते हैं। पर कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं लोग, करने दो जी वेट करने दो, पहले 5 मिनट मिलता था अब 15 मिनट वेट करेंगे, लॉजिक से परे है मेरे वहाँ। बहुत गुस्सा आया था मेरे को, सिर्फ इसलिए आया था इस आंसर को देखे कि सर स्टाफ कम है। अरे भाई स्टाफ कम है तो भैया हमें मतलब हमारा टाइम कीमती नहीं है, हमारा टाइम कुछ नहीं है, और ड्राइव थ्रू में आप लग गए गाड़ी के पीछे, आप गाड़ी भी नहीं निकल सकते, आप फंस गए वहाँ पर, क्योंकि अब कहाँ निकलोगे आप, मतलब ड्राइव थ्रू में एक के पीछे गाड़ी होती है, इतनी चौड़ी होती नहीं होगी, आप उसमें आप निकल जाओ। तो एनीवे ये था इंसिडेंट, फिर हमने कुछ लिया ही नहीं आगे। देखिए कौन बैठा है, सो प्रशांत भाई। हाँ जी, पहले आप वो दिखाओ जो आप दिखा रहे थे पिछले साल, हम दोनों कहाँ थे इसी मंथ। हाँ दिखाओ, फोटो दिखाओ। ढूंढनी पड़ेगी यार, वो ना गूगल में वो मेमोरीज में आता है। अच्छा, तो कहाँ की थी मेमोरीज? हम निकले थे तीर्थन वैली और बीर बिलिंग भी गए थे। सो दोस्तों, जो मैं रस्ते में आपको बता रहा था, हमारी तीर्थन जो हमारी लास्ट राइड थी हम दोनों की, बाई चांस वो पिछले साल इसी महीने में थी, इसी मई में, और हम फाइनली मई में फिर से हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे दोनों बाइक हमारी पार्क्ड हैं, ये जस्ट मुजफ्फरनगर निकलते ही एक ढाबा है लेफ्ट में, वहाँ पे रुके हुए, पूजा नाम से ढाबा है, क्या नाम? पूजा, हाँ पूजा ढाबा। तो चाय वाय ऑर्डर करिए, चाय आ जाएगी, एक पराठा ऑर्डर किया है। बाकी प्रशांत भाई जी,
हाँ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। May स्टोरी है और ये हमारी है, ये हम नारकंडा में 26 मई को फिर यहाँ से हम गए थे अपना जलोरी पास करते हुए। ये सारी फोटोज हमारे पिछले साल। दिस वाज गुड फन, ये तुम करते ही रहते। दिस इज व्हाट वी डू। सो देखा दोस्तों, एक साल बाद हम दोनों फिर से सेम मंथ में यहाँ पे हैं। सो एनीवे, बाकी प्रशांत क्या लग रहा है इतने साल बाद? तेरा तो साल हो गया पूरा एग्जैक्टली, एक साल बाद आया तो, क्योंकि एक साल पुरानी तो फोटो है। उसके बाद मैं कहीं नहीं गया यार। नहीं मतलब छोटी मोटी वो मॉर्निंग राइड्स वगैरह करता रहा, बट प्रॉपर वाली नहीं हुई है। मतलब एक साल से भैया निकला नहीं, मैं अभी 8 महीने बाद निकला हूँ, जो मेरे लिए भी मतलब आप लोग काफ़ी बोल रहे थे। इनफैक्ट एक टाइम सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला कि सर आपको ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है या उससे पहले इतना बड़ा ब्रेक नहीं था। वैसे पर इसका रीज़न मैं बता रहा था कि इस बार फैमिली ट्रिप्स बहुत हम लोग बाई चांस, मैंने भी और छुट्टियाँ उतनी मिलती हैं, फैमिली ट्रिप्स बहुत हम लोग। बट बेस्ट पार्ट ये है कि फिर भी फैमिली को भी मैनेज कर लेते हैं, हमारी बाइक राइड भी मैनेज कर लेते हैं। और मेरे को लगता है ये 2024 की वार्म अप राइड है हमारी बाइक के लिए और हमारे लिए, बिकॉज इसके बाद जो हमारी लॉन्ग राइड आएगी, जो एनुअल, अभी मैं बताइए, अभी नहीं बताना, आएगी, बता नहीं रहा, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, वो आएगी। बाकी दोस्तों, मुजफ्फरनगर से अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो एकदम चकाचक है, गाड़ी से आ रहे हो तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, अपना मेरठ एक्सप्रेसवे लो और गोली की तरह आओ। और अगर बाइक से आ रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया मेरठ एक्सप्रेसवे पे चेकिंग होती है, बच गए तो बच गए पर चेकिंग हो रही है, और वहाँ पर चलान भी बहुत है, 15-20 हज़ार रुपये का चलान है, ठीक है। तो सुबह सुबह निकलोगे तो जिस रास्ते से हम आए हैं, जो ओल्ड वाला हाईवे, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रोड एकदम चकाचक है, पूरे रास्ते पे खाने पीने की दुकानें हैं, हर 10 मीटर पे खाने की दुकानें हैं। पर जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया मुजफ्फरनगर से पहले जहाँ मैकडोनल्ड्स और वो सब था, वो अच्छा स्पॉट है। एंड बस रोड बढ़िया है। अब इसके आगे मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ, तो रोड आगे भी काफ़ी बन गई है अब, तो बीच में अब वो रास्ते में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या अपडेट है, ठीक है। अभी हम चाय पी रहे हैं और निकल रहे हैं आगे। सो यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं, बट अच्छा ये ऑफिशियली ये हेलमेट का ऑफिशियली नामकरण होने वाला है, नए हेलमेट का। नाउ दिस हेलमेट इज गेटिंग इनटू द लीग ऑफ फाल्कन राइडर्स। बीच में, हाँ बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ना, नीचे वाली लाइन से मिला उससे। हाँ इससे मिला। सो नाउ दिस हेलमेट इज ऑफिशियली फाल्कन राइडर्स। सुंदर लग रहा है। सो आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस। तो दोस्तों, पूजा ढाबा पे हमने चाय पी ली, एक पराठा खा लिया और हम निकल रहे हैं। अब स्टिकर्स लग गए हैं, उसके हेलमेट पे लग गया है, फिर यहाँ पे लग गया है। नाउ इट्स टाइम टू गो 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 गो। चार्जिंग पे इसको लगा देता हूँ। तो मैं पावर बैंक लाया तो हूँ, पर वो कहाँ है मुझे पता नहीं। और उसको बाद में ढूंढूंगा। अभी ये है हमारा सीक्रेट वी स्टॉम में हमारा पावर डॉक।
चलें।